सोशल मीडिया पर आजकल एक धमकी भरा ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में जो व्यक्ति धमकी दे रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद प्रभात झा का बेटा तुष्मुल का है। इस ऑडियो में जो व्यक्ति धमका रहा है वह खुद को प्रभात झा के बेटे बताता है। साथ ही जिस व्यक्ति को धमकाया जा रहा है उसका नाम मिकी छावनानी है। इस ऑडियो के हिसाब से प्रभात झा के बेटे तुष्मुल इस प्रॉपर्टी डीलर को धमकी दे रहे हैं। साथ ही फोन पर यह भी सुनाई दे रहा है कि उक्त प्रॉपर्टी डीलर को थाने में बैठा कर रखा गया है। साथ ही आगे भी कई लोग उसे समझेंगे इस तरह से धमकाया जा रहा है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट की टीम इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करती, लेकिन ये ऑडियो इस तरह से वायरल हो रहा है। साथ ही में बताया जा रहा है कि इसमें प्रभात झा के बेटे ने एक प्रॉपर्टी डीलर को धमकाया है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? तुष्मुल झा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए भैया। क्या मेरे छोटे भाई से तुम्हारा हुआ है? आपकी बात से क्या भैया? मेरे छोटे भाई से तुम्हारा क्या हुआ है? भैया हुआ कुछ भी नहीं है, आपके छोटे भाई। तुमने उसको गाली दी है? भैया उन्होंने पहले मुझे गाली दी, मेरा मैंने उनको अपेबल वे में एक प्रॉपर्टी दिखाई थी। उसने गाली दी तो तुम उसको गाली दोगे? भैया एक बात बताओ, कोई मेरे माँ की गाली बकेगा तो आपको? हाँ। अगर कोई माँ की गाली बक देगा तो आप सुनोगे क्या? उन्होंने मुझे गाली बकी तो मैंने उनको से रिवर्ट में बोला, और ये बात मैंने उनको कोई गलत बात नहीं करी, उन्होंने फिर मेरे को बहुत ज्यादा धक्का मुक्की करी और उसके बाद वो गए। अच्छा, मैंने उनसे कोई गलत बात नहीं कर दी। आप राम भाई से भी पूछ लीजिएगा। अब बेटा अभी हमारे बारे में नहीं जानते हो, है ना? नहीं जानते हो मेरे बारे में अभी, है ना? ये मुझे बताओ अब तुमको क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा भैया, अब थाने में तो आपने बिठवा ही दिया है मेरे को। अरे बेटा अभी कुछ नहीं हुआ थाने में, अभी तुष्मुल झा के बारे में कुछ जानते नहीं हो तुम, है ना? और याद रखना वो मेरा छोटा भाई है, प्रभात झा जी का बेटा है वो, है ना? तो आप क्या करोगे भैया? तुमको बताऊंगा बेटा, तू अभी बहुत बच्चा है मुझे, है ना? नहीं तो मैंने क्या किया है भैया जो आप मेरे से बोल रहे हो कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे और मेरे को ऐसे मैसेजेस आ रहे कि जान से मार देंगे और गनमैन निकला है तुमको मारने के लिए, 40 लड़के खड़े, मैंने क्या गलती? गाली देगा तू? तो भैया एक बात बताओ, आपका छोटे भाई को आप बोलते हो कि आप अभी थोड़ी देर, बस 15-20 मिनट को आ जाए, 15-20 मिनट को अभी तुमको अभी सब समझाएंगे, चिंता नहीं करो। तो एक बात बताओ ना भैया, तुष्मुल भाई ये मेरे आयतन भाई मेरे दोस्त है, भाई मेरे दोस्त और वो मुझसे मेरे आज इतने सालों से दोस्त है, मैं उनको प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ, आज हम एक दूसरे को भाई बोलते हैं। अगर वो जो है मेरे को, अगर हम एक दूसरे को भाई बोलते तो एक दूसरे की मम्मी को गाली बकेंगे क्या? आप खुद सोचो ना प्रैक्टिकली भैया। तो तू एक काम करना, तू आना मेरे पास, प्रैक्टिकली सोचवाता हूँ मैं तेरे को। क्या सोचवाओगे भैया बताओ ना आप मेरे को? अभी तू नहीं जानता मेरे बारे में बाबू, अभी तेरे को बहुत लोग बहुत पसंद आएंगे, अभी चिंता नहीं करो, है ना? आप मेरे को धमकी दे रहे हो क्या भैया, अननेसेसरी धमकी? धमकी मैं किसी को नहीं देता, मिक्की मेरे बारे में इसलिए कर रहा हूँ ना, मेरे को नहीं जानते हो अभी आप। तो भैया मेरी क्या गलती है, आप मेरे को ऐसे आप बोल रहे हो कि मैं तेरे को बताऊंगा और ये करूंगा, मेरी क्या गलती है आप बताओ? आपका छोटा भाई मतलब एक बात बताओ, अगर अपने किसी दोस्त को गाली बकते और अगर दोस्त ने गाली बक दी तो वो गलत हो क्या? नहीं नहीं ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो ठीक है, नंबर चेक करा दे तुम्हारा नंबर, ठीक है मिक्की।